आरसी सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए एक रिपोर्ट को मल्टीपल रिपोर्ट में स्प्लिट करना सीखेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है, मैं ये चाहता हूँ कि रीजन वाइज मेरे पास जो सेल्स पर्सन है उन्होंने कितनी यूनिट सेल किया है, यहाँ पर मल्टीपल शीट क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल लेकर के अपनी यहाँ पे जो डेटा सेट है इसको सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक पिवट टेबल जो है इसको इंसर्ट करवा लूंगा। अब हम क्या करेंगे, रीजन को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर में लेके जाएंगे, सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, रो में लेके जाएंगे और यूनिट को हम वैल्यूज में लेके जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये डाटा आपके पास प्योर टेबल क्रिएट हो जाए आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे आपने जाना है और यहाँ से आपने शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं शो रिपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास रीजन वाइज मल्टीपल रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। देखिए मैंने ओके किया तो मेरे पास रीजन वाइज जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये सेल्स पर्सन है और इन इतनी इतनी क्वांटिटी जो है वो इन सेल्स पर्सन ने सेल की है। अब देखिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो सेंट्रल मेरे पास रीजन है उसमें जो सेल्स पर्सन है इसकी जो डिटेल है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे ग्रैंड रोल पे डबल क्लिक करना है। देखिए मैंने ग्रैंड रोल पे डबल क्लिक किया तो जो सेंट्रल रीजन है उसकी डिटेल मेरे पास आ गई। इसी तरह अगर मैं ईस्ट में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे समरी आ रही है, अगर हम ग्रैंड रोल पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका ब्रेकअप भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम एक रिपोर्ट को मल्टीपल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।